नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विश श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडियक साइन की सीरीज, और इस बार हम देखेंगे अगस्त 16 to 31 अगस्त क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लाइफ में, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस, क्या बदलाव इस टाइम होने इम्पॉर्टेंट हैं, और क्या बदलाव आप करेंगे इस टाइम पे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, और गाइडेंस क्या होगा इस टाइम के लिए, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे, आपकी क्रश की रीडिंग भी हम देखेंगे। अगर आप सिंगल्स हैं या फिर आप मैरिड हैं और अपनी पर्सनल लाइफ आप चेक करना चाहते हैं, तो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं, जहां हम रिलेशनशिप्स चेक करते हैं, और जहां जैसी एनर्जी आती है आपके क्रश की एनर्जी, सिंगल्स की, यू नो मैरिड कपल हैं उनके और करंट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो आप ओवरऑल रीडिंग चेक करें जहां हम पर्सनल रिलेशनशिप को चेक करते हैं। सो ओवरऑल रीडिंग में हम आपके फाइनेंस, बिजनेस, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, आउटकम, ऑब्स्टिकल सब कुछ चेक करते हैं। इन 15 डेज में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, सारे डायमेंशंस को हम चेक करते हैं ओवरऑल रीडिंग में। सो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक करें पर्सनल रिलेशनशिप देखने के लिए, और ओवरऑल रीडिंग में आपकी हेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस सब कुछ हम कवर करेंगे। सो अब क्वेश्चन आएगा कि देखना कैसे है, जो हमेशा आता है क्वेश्चन, कैसे देखना है। सन मून राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है वैसे देखिए, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, अपनी राशिफल को चेक करते हैं, वैसे ही आपको टैरो भी देखना है। एस्ट्रोलॉजी आपको जो गाइडेंस देती है वो आपके कर्मा वगैरह, पास्ट के जो भी प्रारब्ध थे उसको लेकर आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन टैरो में आपको यू नो गाइडेंस मिलती है। सो टैरो को एज गाइडेंस देखें, आगे आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, मैं आपको ऐसे गाइड करूंगी, और उसके बाद गाइडेंस भी देती हूँ मैं आपको। सो इस बार हम और ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे, उसके लिए क्या और मैक्सिमम रेमेडीज़ या गाइडेंस दूँ, ताकि आपके ऑब्स्टिकल्स भी लाइफ के कम हो सके, या फिर जो चीज़ें जितनी बड़ी दिख रही हैं उतनी बड़ी ना हो, और वो छोटी सी चीज़ यू नो छू कर आपको निकल जाए अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो, और अगर कोई ब्लेसिंग्स हैं तो उसको आप कैसे रिसीव करोगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो ओवरऑल जितना गाइडेंस हो सके, जितनी डिटेल्स रीडिंग हो सके, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी करने की। डिवाइन को सरेंडर करते हुए जो भी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से। सो आपको सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को चेक करना है। सो आउटकम जब भी आपको रिसीव होती है तभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें, और यू नो ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ आपके लाइफ में है। वीडियो पसंद आती हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और मैं मोटिवेट होंगी तभी मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगी, है ना। सो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अगस्त to 31 अगस्त आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, और गाइडेंस आपके लिए क्या होंगी इस टाइम पे। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, 16 अगस्त to 31 अगस्त क्या होंगे डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर के लिए डिवाइन, 16 अगस्त to 31 अगस्त प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स। गार्डन दिख रहा है मुझे, ग्रीनरी, वन मोर टाइम प्लीज। पार्टनर के साइन हो सकते हैं आपके एरीज, एक्वेरियस, पाइसिस, कैप्रिकॉन, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, और
बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो एक मेजर चेंज इस टाइम पे हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 16, 17, 18, माय गुडनेस, 5, 15, अगेन 5, 3, 5, 6, 21 एंड 8, ओके। इनके लाइफ में कुछ तो चल रहा है, ठीक है, या तो फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर हेल्थ इश्यूज़, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जो कि अनप्लेजेंट इवेंट है, ठीक है। कुछ बनी बनाई चीज़ जो है वो बिगड़ गई, ऐसी सिचुएशन दिख रही है इनकी। वन मोर टाइम प्लीज। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, ये खुश नहीं है ये इंसान। या तो डिवोर्स हुआ अगर ये मैरिड है तो, या डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, या फिर कुछ ऐसी अनप्लेजेंट इवेंट इनके घर परिवार में, इनकी फैमिली में, इनके लाइफ में चल रही है जिससे ये इंसान डिप्रेस्ड है, ठीक है। फीलिंग्स में एक क्लियरिटी चाहिए, होपफुल है ये इंसान, लेकिन एक क्लियरिटी चाहिए, ऐसे ना चाहिए, क्लियरिटी चाहिए जिसमें ये इंसान अटके हुए हैं, ठीक है। अगर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, या फिर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इनको क्लियरिटी नहीं है कि न्यू बिगनिंग कैसे ये करेंगे, या फिर इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे, ये जो स्टकनेस है इससे बाहर कैसे आएंगे, कैसे सेपरेशन को ख़त्म करेंगे, इनको नहीं पता है। जहाँ इनको क्लियरिटी चाहिए, मे बी क्लियरिटी आप क्या चाहते हैं इसलिए चाहिए होगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपसे रिकनेक्ट करना, आपके मन की बात जानना, आप क्या चाह रहे हो इस रिश्ते में, आपके और क्या एफर्ट्स हो सकते हैं या फिर होंगे नहीं होंगे, ये सब कुछ ये जानना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आप इनकी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन में एक न्यू बिगनिंग है, एक पैशनेट स्टार्ट है इनके। वन मोर टाइम प्लीज। इंटेंशन में कोई पैशनेट स्टार्ट है, जो कि ये इनके कैसे बताऊँ, लाइक इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि आपके साथ इनको कोई न्यू बिगनिंग करना है, या फिर कोई पैशनेट स्टार्ट, रीस्टार्ट करना है। और ये इंसान फ्यूचर को सोच रहे हैं आपको लेके। अगर ये इंसान अभी अपने प्रॉब्लम्स में उलझे हैं और अपने प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फ्यूचर में, मतलब कुछ दिन के बाद, आपके साथ कैसे न्यू बिगनिंग करें, या फिर कैसे उस पैशन को वापस लेके आए इस रिश्ते में, इसके बारे में ये सोचते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। कन्फ्यूज जरूर है, लेकिन इनको क्लियरिटी चाहिए एक अपनी कन्फ्यूजन में। बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज ग्रोथ चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो स्टक एनर्जी है ना, ये स्टक एनर्जी से ये इंसान एक मूवमेंट, एक ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है। सो इंटेंशन में कॉल मैसेज जरूर है इनके, जहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं आपको, बहुत ऑब्सेसिवली, बहुत एडिक्टिवली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर बहुत एंगर में, बहुत गुस्से में मुझे ये लग रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि आप इनको देख रहे हो, इनके ऊपर नज़र है आपका, इनको पता है, ठीक है। और इनको देख देख के आप इनसिक्योर हो रहे हो, इनको ये भी पता है। आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इनको ये पता है। या तो आप बहुत रात तक जगते हो, इनको ये पता है। बहुत रात तक आप ऑनलाइन रहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें ये देख रहे हैं, जहाँ इनको पता चल रहा है कि आप इनसिक्योर हो रहे हैं इनको देखकर, या फिर आप चेस कर रहे हो इनको, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनको ऐसा पता चल रहा है अगर आप चेस कर रहे हैं तो। ऑब्स्टिकल किया है यहाँ पे डिप्रेस्ड एनर्जी ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो कोई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या फिर आप इनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क या कोई ब्लैक मैजिक किए हो, इनको ऐसा लग रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि ऑब्स्टिकल में है, इनको लग रहा है कि एक रिस्क लेना इस रिश्ते में, जो कि ऑब्स्टिकल है, लेकिन ये इंसान एक बार बात करना चाहते हैं आपसे, इनके एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। चेस कर रहे हैं इंसान आपको, ये इंसान, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। चेस करते दिख रहे हैं आपको, ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी भी प्लान करते हुए दिख रहे हैं। तो या तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे, या तो ऐसा कुछ करेंगे ये जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। अब देखिए, डेविल जो है वो एक्शन में है। जब डेविल एक्शन में होता है, इसका मतलब ये होता है बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान आपको अपनाना चाहेंगे, या फिर आप में हक जताना चाहेंगे, आपको अपना बनाना चाहेंगे, आपको हार्म करेंगे, हर्ट करेंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डेविल एनर्जी ऐसी होती है जब एक इंसान को, जैसे होता ना, हम कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वैसी की एनर्जी है ये, ठीक है। जहाँ इनको समझ में नहीं आएगा आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या आप हर्ट हो रहे हो उनके एक्शन से,
उनको नहीं समझ में आएगा और आपको देख भी ऐसे रहे हैं कि आप हर्ट हो रहे हो, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई, आप इनको देख के डर रहे हो। सो कुछ ऐसे एक्शंस जहाँ पे आपको ये डरा सकते हैं या फिर आपको धमका सकते हैं या फिर आपको डोमिनेट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा अलर्ट रहें इन 15 डेज में। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में इंसान है, जहाँ बात करना चाहते हैं बात तो करेंगे आपसे फ़ोन पे या कॉल पे या फिर मिलने आएंगे, और यू नो डराना धमकाना ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि नेगेटिवली ये इंसान आपके सामने आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है। आपकी एनर्जी 3 of Cups की एनर्जी है। ओवरऑल लाइफ में आप खुशियाँ चाहते हो, ओवरऑल लाइफ में आप यू नो इनसे मूव ऑन करके अपनी खुशियों की तरफ आप बढ़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और अपने पेन को आप हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, हालांकि प्यार आपके मन में बहुत ज़्यादा है इनके लिए। प्यार आप करते हो आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आपके डिवाइन लव हैं ये, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हैं ये, आपको ऐसा लगता होगा। और यू नो आप हीलिंग करना या फिर हीलिंग के थ्रू यूनियन को अट्रैक्ट करना, ऐसा कुछ आप सोचोगे इस टाइम पे, जहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअली आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ताकि ये इंसान चेंज होए और आप दोनों का रीयूनियन हो पाए, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो, प्यार का प्रपोजल चाहते हो आप इनसे। आप चाहते हो कि ये इंसान इमोशनली और रोमांटिकली कनेक्ट करें आपसे, आप इनसे ये चाहोगे इस टाइम पे। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है जहाँ पे इनके ईगो के चलते आपको ये रिश्ता खत्म करना पड़ रहा है या फिर इनको इनके ईगो के चलते आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए आप रुकना चाहते हो, आप इस साइकिल को एंड करना चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और स्ट्रेंथ में आना चाहते हो आप। आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और इस पॉजिटिवनेस को आप रिलीज़ करके आप एक स्ट्रेंथ में आना चाहते हो, इनसे डिटैच होना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। मतलब इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसे रहेगी जैसे कि इस इंसान से जानबूझ के आप डिटैच होंगे और अपनी स्ट्रेंथ में आ पाएंगे। आपको पता है कि आप इस इंसान के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस है ये इंसान आपकी, आपको ऐसा फील होगा। और अब आप इस वीकनेस को हटा के अपने स्ट्रेंथ को एक्टिव करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, एक इम्पेशेंट एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम, जहां आप इस इंसान से कनेक्ट करना चाहोगे लेकिन फिर भी अपने आप को रोकोगे और कंट्रोल करोगे खुद की एनर्जीज को, और थोड़ा सा इनसिक्योर भी रहोगे इनको देख के, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इनके तरफ से कुछ एक नेगेटिव एक्शन आपके टुवर्ड्स हो सकता है, इसलिए इन इस 15 डेज में थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा संभल के रहें, संभल के रहें। ठीक है, इस टाइम पे मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे वृक्षक राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टाइम प्लीज गाइड मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे 16th अगस्त 31st अगस्त। डिवाइन प्लीज गाइड। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स वन टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 5, 8, 10, 4, 15। यस, मुझे ये दिख रहा है, कैंडल चेंज किया मैंने, सॉरी। ओके, ये इंसान मुझे बहुत चेज करते दिख रहे हैं आपको, ये आपके पीछे या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर आपके घर पे, डोर पे, विंडो पे, टेरेस पे इनका बहुत ध्यान रहेगा, बालकनी पे। और एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको चेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। न्यू बिगनिंग मतलब आपसे कनेक्ट करने के लिए आपको चेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मौका मिले और आपको अपने दिल की बात बोल पाएं, ये इसलिए चेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको एक क्लियरिटी चाहिए कि इनके मन में क्या है या फिर ये क्या चाहते हैं, इस टाइम आपको क्लियरिटी चाहिए होगी, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। इनके मन में बहुत प्यार रहेगा आपके लिए और इनको ऐसा लगेगा जैसे कि यू नो आप इनके पास टाइप के कनेक्शन हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ऐसे कोई एनर्जी जहाँ ये आपसे बहुत डिवाइन लव चाहेंगे, मतलब एक्सट्रीम लव चाहेंगे। मुझे इनकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है क्योंकि डेविल है आउटकम में। सो एनर्जी ऐसी रहेगी ना जहाँ की बहुत सा ऑब्सेसिव वाला एक प्यार, जैसे कहते हैं ना कि डोमिनेंट वाला प्यार, मतलब बहुत प्यार चाहिए वैसी एनर्जी, बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, एक थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा साइको वाला एक फीलिंग लगता है मुझे, ये बोलना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा
एक्सेसिव कोई चीज़ हमेशा हार्म करता है ना. सो ये एकदम से यू नो बहुत ज़्यादा प्यार चाहेंगे आपसे ऐसे ना जी, बहुत एफर्ट्स चाहेंगे, मतलब 24 आवर्स आपका अटेंशन इनके ऊपर ही रहे. अगर आपको प्रपोज कर भी दिया तो आप यू नो कॉल पे मैसेज पे इनके साथ ही रहो, इनसे बात ही करते रहो, या फिर मैसेज किया तो तुरंत से मैसेज का जवाब दो. मतलब ऐसी कहना जी ये चाहेंगे आपसे जहाँ पे आपका पूरा अटेंशन इनके ऊपर हो, ये चाहेंगे. ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि बहुत ओवर ऑब्सेसिव आप कह सकते हैं. लवर्स की एनर्जी ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी होती है, और प्लस डेविल, मतलब आउटकम में डेविल प्लस लवर है यहाँ पे. मतलब एकदम एक्सट्रीम प्यार चाहेंगे आपसे, 24 घंटे ये चाहेंगे कि आप इनको अटेंशन दो, आप इनसे बात करो, कनेक्ट रहो इनसे, ऐसा चाहेंगे. ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है ना एक्सेसिव वाली एनर्जी, बहुत जल्दी ये और ये जो एक्सेसिव एनर्जी होती है ना बहुत जल्दी लो होती है ये. ठीक है, जैसे ये एकदम फायरी एनर्जी में जैसे ऊपर उठती है वैसे ही तुरंत से एकदम पूरा जो पूरा प्यार है ना वो तुरंत से निकल जाता है. ठीक है, सो चाहेंगे इस टाइम ये बहुत ज़्यादा कि आप एफर्ट्स लगाओ, बहुत एफर्ट्स लगाओ और इनको जताओ कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, आप एक्सप्रेस करो, आप दिखाओ, आप एफर्ट्स लो, ये चाहेंगे. ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे. आप भी चाहते हो कि ये इंसान कोई प्रपोजल दें, या फिर आप कोई प्रपोजल, या फिर आप कोई प्रपोजल इस टाइम देना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है. ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, यहाँ पे या तो अबंडेंस मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या तो इस इंसान की नहीं है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लगेगा, या फिर खुशियां जो कि इनको नहीं मिल रही, जो ये चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको ऑब्स्टिकल लगेगा इस टाइम पे ये सारी चीज़ें. ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, या तो पास्ट का रिश्ता आपका सही नहीं था जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से हील हो जाएं उसके बाद इस रिश्ते में आप एफर्ट्स लें, या तो पास्ट की कुछ आपके बिहेवियर नेगेटिविटीज़ हैं जिसको आप रिलीज़ करके इस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्शन में डेविल की एनर्जी दिख रही है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ. बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करेंगे इंसान, अगर प्रपोज करेंगे बिना ये इंसान आपको, तो भी 24 घंटा आपके ऊपर नज़र रखेंगे कि आप क्या कर रहे हो. एक वो मूवी थी ना मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की, वही एनर्जी मुझे दिख रही है. ठीक है, कहाँ गई थी, इतना लेट क्यों हुआ, 5 बजे निकली थी, 5:05 कैसे हो गया, वैसी एक एनर्जी. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यू नो ऑब्सेशन वाली एनर्जी ऐसा लग रहा है मुझे, या तो इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी है कोई जिसके लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ये इंसान नज़र बना के रखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपका ट्रू कॉलर चेक करना, आपका व्हाट्सअप चेक करना, या फिर आप कब व्हाट्सअप में ऑनलाइन हुए, कब किसी और ऐप में आप ऑनलाइन हुए, या फिर आप यू नो अलग अलग तरह से आपको ये इंसान चेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, और आपकी रातों की नींद उड़ेगी, आप भी इनको चेस करते दिख रहे हो, आप भी इनको स्टॉक करते दिख रहे हो, और रातों की नींद आपकी उड़ेगी इनको देखकर, मुझे ऐसा लग रहा है. कुछ इनकी भी एक्टिविटीज़ ऐसे होंगे जैसे कि आपकी रातों की नींद उड़ सकती है. फिर प्यार आप दोनों के मन में बहुत होगा, नो डाउट, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो यस प्यार बहुत होगा, लेकिन ये प्यार बैलेंस रहे तो अच्छा है. अगर ये इम्बैलेंस हुआ, अत्यधिक कोई भी चीज़ ख़राब होती है, अति है ना, सो ये अति वाली एनर्जी है जो कि थोड़ा सा इस टाइम में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, प्रपोजल मिलेगा मुझे लग रहा है, हाँ प्रपोजल देंगे, और बहुत ज़्यादा एक अति वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, एक्सट्रीम वाली एनर्जी. ठीक है, सो यस ये थी आपकी क्रश की रीडिंग. अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए. And please guide, my dear angels, my spirit guides, talk to me please. क्या रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए 16th August to 31st August, उनके personal, professional, overall life में, health, business, career, finance, क्या obstacles रहेंगे, क्या outcome receive करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले, और क्या होंगे guidance इस time. Please guide, my dear angels, my spirit guides, talk to me please. One more time please. एक वाइट डोर दिख रहा है मुझे, किसी का वाइट डोर, मोटिवेशन, इमोशन, रिलेशनशिप, एनर्जी, चेंज एंड कॉशन, स्टेबिलिटी. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 16, 24, 23, 8, 9, 19 and 5. कुछ लोगों के यहाँ पे एज हो सकते हैं 24, 23, 35, 36 and 32. ठीक है, मोटिवेशन की एनर्जी यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में है, नेवर गिव अप. क्यों है डिवाइन यहाँ मोटिवेशन की एनर्जी,
वन मोर टाइम प्लीज। थोड़े से इस टाइम डाउन रहेंगे वृश्चिक राशि वाले ओवरऑल लाइफ में। कुछ अनप्लेजेंट कुछ इवेंट हो सकते हैं आपके लाइफ में, या तो फाइनेंशियल क्राइसिस, या तो हेल्थ इश्यूज़, या कुछ ऐसा हो सकता है जहां आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ सकती है इस टाइम पे। ठीक है, खुद को मोटिवेट करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। खुद की हीलिंग करेंगे, मुझे ये भी लग रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इस टाइम आप उसको हील करेंगे, उस प्रॉब्लम से आप निकलोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो आप। ठीक है, लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, मतलब जहाँ लैकिंग है वहाँ पे आप उन एनर्जीज को फुलफिल करते हुए दिख रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी है। ओके, इमोशंस की एनर्जी आपके करियर में है। डिवाइन प्लीज गाइड, मे बी कोई फाइनेंशियल लॉस या फिर काम में कोई इश्यू हो सकता है। जॉब अगर आप करते हैं तो ऑफिस में कोई इश्यूज हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन वगैरह आपके रुके हुए हैं, जो कि आपको एग्जॉस्ट हो रहे हो। आप बहुत वेट आप कर रहे हो कि प्रमोशन हो या फिर आपकी वर्थ को समझी जाए, आपके ऑफिस में आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए। आप ये वेट कर रहे हो और वेट कर करके आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और स्टक हैं आप, नो स्टक वाली फीलिंग है, जहाँ पे ना जॉब छोड़ पा रहे हैं, ना कोई और जॉब में स्विच कर पा रहे हैं, और ना यहाँ पे आपको वो एप्रिसिएशन, वो इंक्रीमेंट, वो प्रमोशन मिल रहा है जो आप चाहते हो। ठीक है, सो थोड़े से इस टाइम पे आप इमोशनल हो सकते हैं अपने जॉब को, प्रोफाइल को देखकर कि यार क्या हो रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्यों मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, क्यों ये नहीं होता है, क्यों वो नहीं होता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे थोड़ा सा आपका मुझे सूर्य यहाँ पे डाउन लग रहा है। सूर्य को सही करने के लिए, सूर्य की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए सूर्यांजलि दें। सुबह उठें 5:30 से 6 के बीच और तांबे के कलश में, तांबे के लोटे में थोड़ा सा चावल डालें और सूर्यांजलि दें। ओम सूर्याय नमः का चैंट करें डालते वक्त, ठीक है, कम से कम 11 बार। सो ये करेंगे ना तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके काम को सराहा जाएगा, अप्रिसिएशन मिलेगा आपके काम को। ठीक है, येलो कलर का यूज़ ज़्यादा करें, येलो कलर के फूड्स को ज़्यादा खाएँ, या फिर येलो कलर का कोई कपड़ा बैग में रख लें, या येलो कलर के कपड़े को पहने। ठीक है, येलो कलर से ज़्यादा इंट्रैक्ट करें ताकि आपकी सूर्य की एनर्जी आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो पाए। ठीक है ना, तो जैसे सूर्य जिसका डाउन होता है ना, उसके काम को अप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसका काम दिखता नहीं है, चाहे वो कितना भी मेहनत कर रहा हो या फिर वो कितना भी एफर्ट्स लगा रहा हो, कितना हार्डवर्क कर रहा हो, कितना ओवर टाइम कर रहा हो, उसका काम नहीं दिखता है। क्योंकि सूर्य डाउन जब होता है तो लोगों की चमक खत्म होती है। सो आपकी चमक वैसे खत्म होती दिख रही है, क्योंकि मून की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है मुझे। सो इस टाइम पर एक तो वाटर ज़्यादा वेस्ट ना करें, और हो सके तो शिवलिंग का अभिषेक करें। अब जो हिंदू हैं वो ये सब कर सकते हैं, जो हिंदू नहीं हैं वो येलो कलर के फूड्स को ज़्यादा इंक्लूड करें अपने लाइफ में, येलो कलर से ज़्यादा इंट्रैक्ट करें, येलो कलर से ज़्यादा इंट्रैक्ट करें, ताकि ये एनर्जी आपके लाइफ में एक्टिवेट हो पाए। ठीक है, रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में, क्या बात है। वन मोर टाइम प्लीज। जिससे कमिटेड हैं आप, इस टाइम थोड़ा सा उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं इस टाइम पे आप। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो भी चीज़ें सही नहीं होंगी, पास्ट के पर्सन को सोच के आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, रातों की नींद उड़ सकती है। करंट पार्टनर के साथ चीज़ें सब कुछ अच्छी चल रही थी, तो अचानक से कुछ ऐसे बातें बिगड़ जाएंगी और आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जहाँ कमिटेड हैं आप, या तो मैरिज फिक्स्ड हो गई है वहाँ, या फिर जहाँ मैरिड है वहाँ, या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वैसे रिलेशनशिप यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इस, अगर इस मंथ के एंड, मतलब इस मंथ के एंड तक आपको कोई प्रपोजल या फिर सॉरी मिल सकता है, फिर चीज़ें सही हो सकती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, पावर की एनर्जी, पावर लाइन्स की एनर्जी यहाँ पे आपके हेल्थ में दिख रही है मुझे एनर्जी। या तो इम्यून सिस्टम आपके इस टाइम पे कम होगी, जिससे कि आपको और भी डिजीज़ कुछ अटैक कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो थायराइड की प्रॉब्लम अगर है आपको, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहें, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ कुछ ट्राई करें। ठीक है, हीलिंग ट्राई कर सकते हैं, या फिर
सर्च करें कि इम्यून सिस्टम को आप कैसे बूस्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए ज़रूरी होंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे मैंने कहा आपको, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के स्पिरिचुअल टेक्निक्स बहुत सारे होते हैं, उसको फॉलो करें। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें ज़रूर से देख रहे हो का मतलब ये होता है कि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा आप में है, कुछ चीज़ों को जानने की समझने की अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, और उसमें आप वर्क करते दिख रहे हैं और एक क्लैरिटी पे आते दिख रहे हैं कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, सो जो भी आप देख रहे हैं, अगर आप किसी कंक्लूजन में पहुंच रहे कि अच्छा अब मुझे अपनी हेल्थ के लिए ये करना है, ये मुझे एक्शन लेना है, तो ले ज़रूर। सिर्फ क्लैरिटी मिलने से आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप क्लैरिटी आपको मिल गई है, आप बहुत क्यूरियोसिटी बहुत थी आपके मन में जानने की कि किस तरह से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, कैसे अपने हेल्थ को हम सही रख सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ आपने जाना है और जान के बस उसको नॉलेज के लिए रख लिया है। अगर सिर्फ नॉलेज के लिए आप रखोगे तो आपकी हेल्थ उससे इंप्रूव नहीं होगी, आपको एक्शन लेना होगा उसके लिए, है ना। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम गड़बड़ाता दिख रहा है, जहाँ पे आपको मल्टीपल छोटे-छोटे बीमारियां जो हैं, छोटे-छोटे डिजीज जो है ना, वो अटैक करते दिख रहे हैं। सो इससे बचे इस टाइम पे, ठीक है। चांस की एनर्जी यहां पे ऑब्स्टिकल में है। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे अगर आप, तो वो चीज़ दूर जाएगी आपसे, है ना। अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हो, बहुत फैंटेसाइज कर रहे हो, मत करें, रिजल्ट को सरेंडर करें, एक्शन लें, ठीक है। मुझे यहाँ पे चांस की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो कि आपको एक चांस और मिले, जो कि आपको ऑब्स्टिकल दिख रहा है। या तो आप बहुत पॉजिटिव है किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा आप होल्ड करना चाहते हैं किसी चीज़ को और उस पर आप सेकेंड चांस चाह रहे हैं, जो कि मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। इतना ज़्यादा अगर आप रिजल्ट में फोकस करेंगे ना, तो वो आपसे दूर जाएगी। कुछ चीज़ों को आपको सरेंडर करना होता है, तो इस टाइम सरेंडर करें। सेकेंड चांस आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको उसमें अपने इनर वॉइस को सुनना होगा। और एक ऐसा नहीं कि आपको मिला नहीं सेकेंड चांस, आपको चांसेस तो बहुत मिले मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपने उस चांस को ग्रैब नहीं किया, ठीक है। और ये ऑब्स्टिकल हो गया। तो आपको समझ में आ रही है चीज़ें कि आपको जब चांस मिला था, मौका मिला था, आपने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, और अब जो है आपको फिर से सेकंड चांस चाहिए, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। सो मिलेगा ज़रूर आपको, और इस टाइम वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा जब आपको सेकंड चांस मिलेगा, इसको आपको ग्रैब करना होगा। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ना, यहां आपका सूर्य मुझे डाउन दिख रहा है यहां पे, जहां आप जितना भी मेहनत करोगे ना, तो आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके फाइनेंस करियर में हो। सो यहाँ अपने सूर्य को स्ट्रांग करने के उपाय देखें। सूर्यांजलि सबसे बेस्ट उपाय होता है, जब हम सूर्य को अंजलि देते हैं और उससे अपने सूर्य को हम स्ट्रांग करते हैं, जिससे कि आपको अप्रिसिएशन मिले, नेम फेम मिले, ठीक है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए, इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, सो कोई ऑफर आपके लिए आ रहा है, लेकिन स्लो है एनर्जी। अगेन रिलेशनशिप हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कॉशन की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है। देन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। बहुत ज्यादा अगर किसी चीज के लिए आप, अगेन वही एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए अगर आप एकदम से डेस्परेट हो रहे हैं ना, ईगरली कोई चीज को अगर आप चाहते हैं ना, तो थोड़ा सावधान रहे इस टाइम पे, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर फ्यूचर प्लानिंग कुछ अगर आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहें। यहाँ पे एक आपको रेड सिग्नल दिख रहा है, जहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है, चीज़ों को और थोड़ा समझने की ज़रूरत है, कुछ चेंज की ज़रूरत है जो कि आप नहीं कर रहे हो। सो इस टाइम पे ध्यान दें इन चीज़ों पे। कोई इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, कोई लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, थोड़ा सा यहाँ पे और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और बहुत सोच समझ के इस टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे, यस, सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन, गाइडेंस देख लेते हैं। One more time, please. Sure. Angel of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael, emerald green light, while I enhance your strength. Archangel Raphael से connect करें और अपनी healing उनसे अपनी हीलिंग के लिए उनसे प्रे करें, ठीक है। आर्कएंजल
रफेल अपने ग्रीन लाइट से आपके हार्ट चक्र को में भी हील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो हीलिंग हो रही है आपकी, यूनिवर्सल हीलिंग जो कि मुझे दिख रही है कि आप हील कर रहे हो खुद को आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करने के लिए। कुछ लोग मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हैं, कुछ लोग एफर्मेशंस भी बोलते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इन टू योर एक्शन, जो भी आप सोच रहे हो प्लान जो भी आपके हैं एक्शन लेने के, उसमें अपनी क्रिएटिविटी को जरूर इंक्लूड करें। और एंजल्स को आर्कएंजल गैब्रियल से भी कनेक्ट करें ताकि वो आपकी क्रिएटिविटी में, आपके एक्शन में आपको हेल्प कर सके, गाइड कर सके, सपोर्ट कर सके, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे वृश्चिक राशि वाले को, डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। इमोशंस, हीलिंग्स, डिवोशन एंड इंटीग्रेटेड, थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट करें, जिस भी शक्ति जिस भी एनर्जी को आप मानते हो उनसे कनेक्ट करें और उनसे हीलिंग चाहें, ठीक है। उनसे हीलिंग मांगे, आपकी हीलिंग ज़रूर होगी, आपकी यूनिवर्सल हीलिंग चल रही है, लेकिन फिर भी अगेन स्पिरिट रिलेशनशिप की एनर्जी है। इंट्यूशन, कनेक्शन, साइन एंड इंस्पिरेशन, थोड़ा सा कनेक्टिविटी बिल्ड करें अपने जिस ईश्वर, जिस शक्ति, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उनके साथ, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।